पीटीवी वॉइस के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस्मान बेग के बारे में। आने वाले एपिसोड में सुल्तान मसूद का एक बेले आएंगे। अगर आते ही सुल्तान मसूद ने उस्मान बेग की बात ना सुनी तो उस्मान बेग का क्या रद्द अमल होगा? क्या उस्मान बेग सुल्तान मसूद के खिलाफ बगावत करेंगे? इसके मुतालिक तरीके वाले से आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे आलमशाह और घातु के पीछे कौन है जिसका जिक्र उस्मान बेग ने किया। उस्मान बेग ने कहा कि कोई तीसरा शख्स भी है जो कि इनके साथ शरीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इन सब के अलावा निकोला के बारे में बात करेंगे। क्या आने वाले एपिसोड में निकोला धोखा देगा क्योंकि इसने पिछले एपिसोड में आलम शाह से इत्तेहाद करने की पेशकश की? तो क्या अब निकोला धोखा देगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे निकोला की। निकोला के बारे में हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि क्या ये अब उस्मान बेग को धोखा देगा क्योंकि इसने पिछले एपिसोड में आलम शाह से इत्तेहाद करने की पेशकश की। वैसे तो इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि निकोला अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन हमने ये भी कहा था कि हो सकता है कि इसमें भी उस्मान बेग का ही हाथ हो क्योंकि ऐसा कुछ पहले भी कर चुका है और नए आने वाले ट्रेलर में भी आलम शाह पकड़ा गया। इसी वजह से हर किसी का यही सोचना है कि क्या निकोला ने उस्मान बेग की मदद की होगी जिसकी वजह से आलम शाह पकड़ा गया होगा। तो नाथन, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसकी वजह निकोला की हरकतें हैं। अगर पिछली एपिसोड को देखा जाए तो निकोला धोखा देगा। अगर अगली एपिसोड का ट्रेलर देखा जाए तो उससे वाजे होता है कि ये सब कुछ अकेले उस्मान बेग ने नहीं किया होगा क्योंकि घातु को भी उस्मान बेग ने पकड़ लिया और आलम शाह को भी। वैसे इसके बारे में हम एक और राय भी दे चुके हैं कि उस्मान बेग की तुर्क सरदार मदद करेंगे जिन्होंने उस्मान बेग से वादा किया था। खैर नाथन, इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या निकोला उस्मान बेग से धोखा करेगा या फिर आने वाली एपिसोड में उस्मान बेग की मदद करेगा? आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर बात करें वो तीसरे शख्स की जो कि आलम शाह और घातु के पीछे है जिसका जिक्र उस्मान बेग ने किया, यहाँ पे कुछ लोगों का ये सोचना है कि जो वो उस्मान बेग ने तीसरे शख्स का नाम लिया वो बरकिन सरदार होगा जिसको हमने ट्रेलर में देखा, लेकिन नाथन हमारे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। ये तीसरा शख्स गंगूर बेग का भाई होगा जिसका जिक्र उस्मान बेग ने किया। यहाँ पे उस्मान बेग अपने सरदारों से जिक्र कर रहे होंगे या फिर कौसिम हाल से, इनके बारे में भी आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर बात करें उस्मान बेग की, क्या उस्मान बेग सुल्तान मसूद के खिलाफ बगावत करेंगे क्योंकि सुल्तान मसूद काई कबीले की तरफ आ रहे हैं जो कि बहुत गुस्से में हैं। यहाँ पे कुछ नाज़रीन का ये सोचना है कि हो सकता है कि सुल्तान मसूद उस्मान बेग की बात ना सुने, लेकिन नाज़रीन इसके बारे में हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं कि सुल्तान मसूद उस्मान बेग से कायल हो जाएंगे, उस्मान बेग की बात भी सुनेंगे और उस्मान बेग की मदद भी करेंगे। बात करते हैं तरीके वाले से भी कुछ ऐसा ही है कि वाहद उस्मानी सल्तनत थी जिसकी मदद सुल्तान मसूद ने की। जब सलजोग सल्तनत का खात्मा हो रहा था उस वक्त सलजोग सल्तनत में से कुछ सल्तनत कायम हुई थी जिनमें गरमियानी, करमानी और यालकुरसलान का कबीला भी था। उन सभी कबाइलों ने सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन वाहद सल्तनत उस्मानी सल्तनत थी जिसकी मदद सलजोग सल्तनत ने की थी। सलजोग सल्तनत के कुछ वजीर थे जिन्होंने उस्मानी सल्तनत में अहम रोल अदा किया था। यकीनन सीरीज में भी ऐसा ही दिखाया जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि उस्मान बेग सुल्तान मसूद के खिलाफ बगावत करें। इनके बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चलते फिर इंशाल्लाह नई वीडियो लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।